देश लूटने की आजादी में हमारे पूर्वजों ने और बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। आज हमारे नौजवान नस्ल को, हमारे बच्चों को इन चीजों को याद करने की जरूरत है। अगर इन चीजों को हमने याद रखा तो आने वाली नस्ल से बुजुर्गों की कुर्बानियों को भुला दिया जाएगा। ये प्रोग्राम जो किए जाते हैं, गरीब नवाज कौंसिल जो इस प्रोग्राम का एहतमाम करती है, इन तमाम प्रोग्रामों का सिर्फ यही मकसद होता है कि नस्ल दर नस्ल कौम और बच्चों को मालूम हो जाए कि भारत ऐसे ही नहीं आजाद हुआ, हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब भारत आजाद हुआ, हमारी माएं बेवा हुई हैं तब भारत आजाद हुआ, हमारी औलादें कुर्बान हुई हैं तब भारत आजाद हुआ है, हमारे जियादों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने फांसी के फंदे को चूमा है तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। कुर्बानियों पे कुर्बानियां पेश की गई, दस्तरखान पर काट के सब सजा के लग दिए गए, मगर हमारे पुरखों बुजुर्गों के हौसलों में कोई कमी ना आई और हर कदम उनका आजादी की तरफ बढ़ता रहा। गर्दनें काट करके बिछा दी गई, खून पसीने की तरह बहा दिया गया, मगर हमारे जियादों के पैरों में लर्दिश ना आई और मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों से वो लड़ते रहे। यूं तो लड़ाई का सिलसिला, तहरीर का सिलसिला, आजादी का सिलसिला 1700 से शुरू हुआ था, मगर 1857-1857 में इसमें बड़ी ताकत आई और बड़ा जोर पैदा हुआ, जिसका नतीजा यह निकला कि 1947 में भारत आजाद हो गया। आजादी में मुसलमानों ने अपने बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, जवानों के साथ, उलमा के साथ, मस्जिद के इमामों के साथ, खानकाहों के साथ, दरसगाहों के साथ कुर्बानियां दी हैं, बहुत अहम कुर्बानियां दी हैं, तब इस मुल्क को आजादी हासिल हुई है। हजरत आप तवज्जो कीजिए, जो फतावे इस्तेमाल किए जाते थे शरीयत के मसले के लिए, आखिर मुल्क के जियालों ने फतवा ले लिया था अल्लामा फतह शेरबादी से कि आप बताइए मुल्क की आजादी के सिलसिले में क्या फतवा देते हैं, तो आपने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दे दिया था कि मुसलमानों निकल पड़ो अपने घरों से, नान की परवाह करो, ना औलाद की परवाह करो, ना घर की परवाह करो, ना खानदान की परवाह करो, बल्कि अंग्रेजों के मुकाबले में आकर उनके पराक्षे हुआ दो और मुल्क को आजाद करा दो। और अल्लामा फतह शेरबादी ने जो फतवा दिया था कहां से दिया, मैं आपको बताऊं, किसी यूनिवर्सिटी में बैठ के नहीं, किसी कॉलेज में बैठ करके नहीं, किसी बहुत बड़ी तालीमगाह में नहीं, मदरसे की टूटी चटाई में बैठ करके ये फतवा दिया था। इसलिए हम कहते हैं मदारिस अरबिया को दहशतगर्दी के अड्डे बताने वालों, अगर तुम दिलो दिमाग में उतारो और हमारी बातों को समझो तो याद करो जितने ये उलमाए किराम थे सबका ताल्लुक अरबी मदरसों से था। इसीलिए मैं कहता हूं अगर भारत में ये अरबी मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान आजाद ही ना होता। इन्हीं मदारिस अरबिया की बुनियाद पर इस मुल्क को आजादी मिली। अल्लामा फज़ल खैराबादी को अंग्रेजों ने अंडमान जजीरे में जाकर के कैद कर दिया। अल्लामा फज़ल खैराबादी ने जजीरे में जाकर कहा था, अंग्रेजों तुमसे खाने का मुकालबा नहीं करता फजल हक, कपड़ों का मुकालबा नहीं करता फजल हक, हो सके तो एक कलम दे दो मेरे हाथ में और एक ताकत दे दो। लोगों ने पूछा क्या करेंगे फजल हक साहब, अल्लामा साहब कहा अगर कलम और कागज दे दो तो अपने वतन की मैं तारीख तो लिख दूं कि हिंदुस्तान के लिए मैं कैद में आया था और हिंदुस्तान में ऊपर क्या गुजर रही थी। अंग्रेजों ने कहा था सुनिए मौलाना साहब, ये जेल है, जेल कैद खाना है, जजीरा है, काला पानी है, कोई दारुलूम और दरसगाह नहीं है, ना कलम मिलेगा आपको, ना कागज मिलेगा। अल्लामा फज़ल हक खैराबादी के हौसले ने कहा था, जिनको हम आज भी सलाम करते हैं, कहा नादान अंग्रेजों कलम नहीं है मत दो, कागज नहीं है मत दो, फजल हक का हौसला नहीं रोक सकते, उन्होंने कोयले को कलम बना लिया और कपड़े और डगली को कागज बना दिया। इस तरीके से आपने रिसाले हिंदिया लिखा, जिसको मौलाना आजाद ने असूरतुल हिंदिया नामी किताब से तसनीफ करवाया था। हजरात कौम थे अल्लामा फज़ल खैराबादी, आज भी इनका मजार अंडमान जजीरे में है, क्योंकि जिस जब आपका इंतकाल हो गया आपके घर के लोग वहां मिलने के लिए गए तो पता चला आज आप मिलने आए हैं कैद खाने में जिन्हें अंग्रेजों ने कैद किया था, आज तो उनका जनाजा सामने आ रहा है, वतन को
जब उन्हें खाने पानी की सजा दी गई तो उन्होंने कहा था नारा तो मुझे इस कैद खाने में रख गई है, मत समझना कि मैं कौन कौन मुल्क का नुकसान करूंगा, मैं इस कैद खाने में भी अपना सिलसिला जारी रखूंगा, जिसको तुमने कैद खाना बनाया है मैं उसे शिक्षा घर बना लूंगा। और आपने वहां किताबें लिखना शुरू कर दिया। जब वहां से निकले तो आपके हाथों में दो किताबें थी, एक किताब का नाम तवारीख हबीबे ला था, एक का नाम इल्म सेगा था, और ये दोनों ऐसी किताबें हैं कि आज भी अरबी मदारिस में पढ़ाई जाती है। ये मुजाहिदीन आजादी की लिखी हुई किताबें हैं जिन्हें आज के तलबा भी किताबों में पढ़ते हैं और सबक लेते हैं। हजरत यही नहीं, मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को जब मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था तो उस वक्त आला हजरत फाजिले बरेलवी ने बरेली में फरमाया था, ए लोगो, सैयद साहब की रगों में पहले से उन्हें हाशमी को जज्ब था, लोग वतन की मोहब्बत में कुर्बान हो गए। मौलाना फजलुर रसूल साहब बता दी मुफ्ती सदुद्दीन साहब आजमदा, मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी, इनका मदार भी इंदमान में है, मौलाना हजरत मानी ये वो आशिक रसूल थे, ये वो उलमा अहले सुन्नत थे। पिता मौलाना हजरत मानी ने कहा था, उन्होंने कहा था वो नदियों में रहमत रखा पाने वाला, मुराद गरीबों की बल लाने वाला। हमारी उलमा ने अकाबरीन ने बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं तब जाकर के भारत आजाद हुआ है, और कुर्बानी हम हर मौके पर दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे मुल्क की आजादी हो और चाहे ये कोरोना का पीरियड हो, आज ये कोरोना चल रहा है, ये महामारी चल रही है, इसमें कितना बड़ा योगदान है मुसलमानों का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी कुर्बानी तो हमने ये दी है कि कोरोना से निपटने के लिए जो गाइडलाइन हिंदुस्तान की आई, हुकूमत की आई, तो हमने दो कदम बढ़ करके उस पर अमल किया और लबैक कहा। आप देख लीजिए शबे बारात जैसा मुकद्दस त्यौहार निकल गया कोरोना ही में, आप देख लीजिए रमजान शरीफ का जमाना निकला, हम तरावी नहीं पढ़ सके, हम जुमा नहीं पढ़ सके, हम ईद और बकरीद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ सके। आप देख लीजिए इतनी कुर्बानियां आज भी मुसलमान का बच्चा बच्चा दे रहा है, इतनी कुर्बानियां आज भी पेश कर रहा है, और हर माहौल पर और हर जगह और हर हालात में हम हुकूमत के साथ खड़े हैं इस मामले में, कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना से जंग करने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए। और आज मैं इस प्रोग्राम के तवसुस से एक अपील करना चाहता हूँ, जिस तरह मुल्क की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म और हर मजहब के लोग एक प्लेटफार्म पर खड़े हो गए थे, तो अंग्रेजों की खैरियत नहीं थी, 200 साल तक मुल्क को गुलाम बनाने वाले अंग्रेज इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हो गए और यहाँ से भाग निकले। इसी तरह मैं गुजारिश करता हूँ कि आज कोरोना से जंग करने के लिए हर सियासी पार्टी मिनिस्टर्स लीडर्स अधिकारी, हर शहर की जिला इंतजामिया, हर धर्म के मजहबी रहनुमा, ये सब की सब हर तरीके से एक होकर एक प्लेटफार्म पर खड़े हो जाएं और एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर के कोरोना से जंग करें। इंशाअल्लाह जंग आजादी में हमने अंग्रेजों को खदेड़ा था, आज हम मुत्तहिद होकर अगर कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे तो हम इस बीमारी को खत्म करेंगे। आप देख रहे हैं हम अरणी अगली नमाज की तरफ से बार बार अपील करते हैं, उस पर अमल करवाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, जो भी प्रोग्राम थे सब उनकी कर दिए गए। ये प्रोग्राम में बहुत बड़ा होता था, कई हजार लोग इसमें मरने में शरीक होते थे, आज चंद लोग बैठे हुए हैं दूरी बना करके। हजरत ये सब क्या है, ये हमारी कुर्बानियां हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो ये काम बहुत जल्द होगा। आज हमारी मस्जिदें बंद हैं, मस्जिदों में ताले लगे हैं, अल्लाह हम पर रहम खाएगा और मस्जिदें के दरवाजे अपने बंदों के हक में खोल देंगे। हजरत एक बात मैं आप से करना चाहता हूँ, उस वतन से मुल्क से मोहब्बत क्यों ना हो, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारा। जहां हमने इस मुल्क में 800 साल तक हुकूमत की है, वही इस मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ जंग की है, वही इस मुल्क में जमहूरियत का पूरा सपोर्ट किया है, जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं। वही आप जानते हैं कि उस वतन से हमें इतनी मोहब्बत है, इसलिए कि भारत वो जगह है, वो मुल्क है जहां सबसे पहले अब
रात का टाइम था, रोने लगे, गिरिया विदानी करने लगे, रो जाता तल पे आता सैता की आदम ने खुदा को मनाते रहे आदम, तोबा करते रहे आदम, रोते रहे आदम, आंसू बहाते रहे आदम, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी खता माफ कर दे। हजरात तवज्जो कीजिए, भारत की जमीन पर आदम ने अपने आंखों के आंसू बहाए हैं और इस जमीन पर अल्लाह ने उनकी तोबा कबूल फरमाई है। तवज्जो में चाहता हूं, इसी भारत की जमीन पर अगर कहो तो सबसे पहले नबी आए हैं आदम पैगंबर, इसी भारत में जिब्रील आए हैं, हमें बड़ा सुकून नसीब हो जाता कि वाकई इस मुल्क में रहने वाले अपने
वतन के और अपने मुल्क के वफादार हैं। इसलिए दोस्तों इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ और इंशाल्लाह